हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। नॉर्मली जब हम ऑडिटिंग की बात करते हैं तो हम फाइनेंशियल ऑडिटिंग की ही बात कर रहे होते हैं। वैसे ऑडिटिंग बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे टैक्स ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एट्सेट्रा। सो जनरली अगर हम बोलें कि ऑडिटिंग मतलब क्या, तो ऑडिटिंग का मतलब होता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन यानी जांच करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। यानी कोई भी एंटरप्राइज है, बिजनेस एंटरप्राइज हो सकता है, वो प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, कोई भी प्रकार का हो, अगर कोई बिजनेस एंटरप्राइज है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच हो रही है। और वो जांच कैसी हो रही है? सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट। सिस्टमैटिक जांच हो रही है और इंडिपेंडेंट जांच हो रही है। इंडिपेंडेंट से हमारा मतलब ये है कि जो जांच करने वाला व्यक्ति है वो किसी के दबाव में नहीं है, या वो किसी एक एक ऑर्गेनाइजेशन को फेवर नहीं कर रहा, वो अपना इंडिपेंडेंट अपने जांच कर रहा है कि सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक है कि नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू बता रही है कि नहीं स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। अब ट्रू एंड फेयर हम कब कहते हैं? हम तब कहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर हैं, जो अब वो फ्री होते हैं कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। यानी कोई भी बातें घुमा फिरा कर या जैसी नहीं है वैसी नहीं लिखी गई है, तो ये काम चेक करना है, होता है ऑडिटिंग का काम, ऑडिटर का काम। ऑडिटर को देखना होता है कि सब कुछ जैसा है वैसा ही दिखाया गया है, और उसके बाद जांच करके ऑडिटर अपनी जांच को एक रिपोर्ट के रूप में देता है, जिसे हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। उसमें वो अपनी ओपिनियन देता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसकी ऑडिटर ने जाँच की वो कैसा है, मतलब सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब होता है ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग जो होती है वो कोई एक पर्पस के लिए की जाती है। वो पर्पस पहले से ही स्टेटेड रहता है कि हम अगर ऑडिट शुरू करें तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। थैंक यू।